हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस चैनल। आई एम कृष्णा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन पे हम लोग निकाल चुके हैं। आज हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे। इसी का नाम दूसरा नाम है 10B पोजीशन, या इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोगों को इसको इक्विटोरियल पोजीशन को हिंदी में निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो निरक्षीय स्थिति है ना, जब कोई भी डायपोल है, कोई भी डायपोल है, उसका जो बीच सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जो खींचते हैं, तो वही इक्विटोरियल पोजीशन कहलाता है। सपोज हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल ये, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट हम लोग बी मान लेते हैं, और इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो बीच में एक सेंटर होगा। मिड पॉइंट पे क्या होगा? सेंटर होगा। सपोज दैट ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर हम लोग ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो और हम लोग जानते हैं कि डायपोल का जो लंबाई होता है, लेंथ होता है, 2L होता है। यहाँ से यहाँ हम लोग 2L लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी लेंथ, सेंटर से पॉइंट ए का भी लेंथ क्या हो गया? L, और सेंटर से बी का भी लेंथ क्या हो गया? L ही हुआ। तो L ही हुआ। चलिए, अब एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस सेंटर, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। सपोज डैट सेंटर से r दूरी पे है ना, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट P मान लेते हैं। पॉइंट P है जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे डायपोल बनाने के लिए यहाँ पे माइनस Q चार्ज लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज है तो एक मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या होता है? मैग्नीट्यूड में इक्वल चार्ज होता है, लेकिन साइन में अपोजिट, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव। इस प्लस चार्ज के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? आउटवार्ड की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। इसकी वजह से जो फील्ड होगा ये इधर की तरफ आउटवार्ड होगा। ये फील्ड प्लस क्यू चार्ज के वजह से आया, और दूसरा ये माइनस चार्ज के वजह से जो होगा, तो ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ खींचेगा, है ना, तो इधर इनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा टॉवर्ड्स माइनस क्यू। ठीक है, तो टॉवर्ड्स यानी ये हो गया आउटवर्ड, ये हो गया इनवर्ड। तो यहाँ पे ये किसके वजह से आया? तो ये हुआ माइनस क्यू के वजह से। इसका डायरेक्शन जो है ये हुआ माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक यहाँ पे इसके, इस डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के पैरेलल एक यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और ओपी के ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन एबी के पैरेलल हो गया। एबी ये है तो ये भी पैरेलल हो गया। तो सपोज अब ये जो ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, देख लीजिए। ये जो है ये लाइन 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। यदि मैं इसे
थीटा एंगल मान लेता हूँ, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब ये एक पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये पैरेलल लाइन है तो इसको एक तिर्यक रेखा यदि काट रही है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ई प्लस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, तो और कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यदि ये कंपोनेंट एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। तो अब देखिए, इस लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जिसके साथ एंगल थीटा बनाएगा तो उसको हम लोग कॉस में रखेंगे, तो ये जो होगा ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये इधर जो है नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा ये हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ई माइनस क्यू का भी दो कंपोनेंट होगा, तो एक कंपोनेंट इधर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के टर्म में आ जाएगा, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो अब ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे हम लोग को मिल रहा है वो इधर मिल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और दूसरा माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों आपस में क्या करेगा, जुट जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो देखिए डायरेक्शन होता है किधर से किधर, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, और देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया, जस्ट इसके अपोजिट हो गया, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दोनों दोनों है पैरेलल लेकिन डायरेक्शन है दोनों का अपोजिट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, अब हम लोगों को बहुत अब इजी हो गया, मेन इतना ही। दूसरी बात यदि आप देख लें तो देखिए, यदि इस ए ओ पी एक त्रिभुज मान लेते हैं, ए ओ पी एक त्रिभुज मान लेते हैं, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर है ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। उसी तरह यहाँ पे बी ओ पी जो ये ट्रायंगल है इसमें भी ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, यदि लंब है या आधार है तो ये कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो देखिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट ये भी हो जाएगा, जिसका मतलब है कि दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक की पी तक की दूरी जो है प्लस क्यू चार्ज से भी और माइनस क्यू चार्ज से भी दोनों का दूरी क्या है, सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे, माना माना कि ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र केंद्र ओ लंबाई 2L तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं वेक्टर P से, तथा
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी है। डाइपोल के बिंदु ए पर माइनस क्यू चार्ज तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखिए निरक्षीय स्थिति में सेंटर केंद्र ओ से है ना आर दूरी पर है ना, निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो चलिए अब हम लोग प्लस क्यू चार्ज की वजह देखते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक की दूरी कितना है, तो ये दूरी हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई और इस स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, बी से पी के तरफ, इसका डायरेक्शन है बी टू पी। नेक्स्ट माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक की दूरी कितना है, तो ये दूरी है माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक की दूरी, तो ये भी दूरी उतना ही है, सेम दूरी है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसीलिए है ना माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं और हिंदी में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ई माइनस क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, है ना। डिस्टेंस तो इतना ही है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इतना। ये और इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, बी टू ए, पी टू ए, पी टू ए, पी से ए की तरफ डायरेक्शन हुई। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग मिटा सकते हैं, यह सारा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक हम लोग मिटा दिए। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए e प्लस क्यू साइन थीटा और e माइनस क्यू साइन थीटा दोनों का देखिए डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन e प्लस क्यू साइन थीटा तथा e माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त मतलब कैंसिल कर देते हैं। तो इसका ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, अतः पॉइंट पी पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हम लोग E मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस साइन माइनस क्यू सॉरी कॉस थीटा के वजह से जो है ना। तो इसका वैल्यू देखिए e प्लस क्यू है ना, e प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, और e माइनस क्यू का वैल्यू इतना आ गया। तो देखिए दोनों का वैल्यू हम लोग को सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों का जो वैल्यू इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इक्वल टू टू है ना, या आप इस cos थीटा को आप कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें है ना, या तो दोनों को हम लोग डायरेक्ट अभी जोड़ देंगे, तो टू है ना, दोनों का जब इक्वल आ रहा है तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा है ना। तो उसमें कॉस थीटा का वैल्यू बाद में इससे हम लोग उसका वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए ऐसे भी हम इस तरह से भी बना सकते हैं, तो ई प्लस क्यू है ना और ई माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो उसको रखें और हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो
अब यहाँ पे हम लोग E प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग यहाँ से निकाले हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और E माइनस की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए दोनों को पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R² + L² और इसका भी वैल्यू हो जाएगा इतना ही सेम हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R² + L² अब मैं इससे पूरा मिटा रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए बाहर में यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अब ये दोनों जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R² + L² ये दोनों मिल के इतना हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, कितना रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर चित्र से इस चित्र से है ना, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है एल है और कर्ण क्या है √R² + L² तो अब देखिए इसका कॉस थीटा की जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो L/R² + L² का अंडर रूट, ठीक है। अब इसको बराबर करके हम लोग लिखेंगे, तो अब ये लिखाएगा क्या लिखाएगा, तो अब देखिए अब ये 2 को L के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं Q, ऐसा क्यों करते हैं ये पहले भी आप लोग जान चुके हैं, तो नहीं भी जानते हैं तो फिर दोबारा देख लीजिए, तो Q × Q और 2 को L के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में हम लोग लिख रहे हैं 4π ε₀ और यहाँ पे देखिए R² + L² और देखिए यहाँ पे इसका रूट को हम रूट के बदले में 1/2 पावर में हम लोग लिखते हैं, तो R² + L² का पावर 1/2 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए Q × 2L क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2L, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। तो अब देखिए अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसके बाद तो यहाँ पे अब E बराबर हो जाएगा, इसके बदले Q × 2L के बदले अब क्या लिखा जाएगा, P लिखा जाएगा P/4π ε₀ और यहाँ पे हो जाएगा, तो अब देखिए इसका पावर 1 है इसका पावर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में दोनों पावर जुट जाता है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं R² + L² का पावर 3/2, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं 1/4π ε₀ यहाँ पे लिखेंगे R² + L² का पावर 3/2, एक तो वैल्यू ये आया ये, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोगों को पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डायपोल के बीच का जो लेंथ होता है बहुत कम होता है, और ये जो दूरी है R इस L के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि R² का वैल्यू जो है L² से बहुत बहुत ज़्यादा है, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L² तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं यदि R² इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L² और R² के रिस्पेक्ट में इसके कंपैरिजन में L² बहुत छोटी दूरी है, तो इसके कंपैरिजन में हम लोग इसको नगण्य मान लेते हैं, 0 के लगभग, तो यदि L² का वैल्यू क्या हो जाएगा लगभग 0 के बराबर यदि हो जाता है
तो ई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जीरो देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई, और यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा पावर में, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर का पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो अब हम लोगों का जो है मेन फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अब देखिए, इसके बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के भी लिखते हैं, तो या हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है ई बराबर के पी बाई आर क्यूब, ये भी सही है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के क्यूब के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में जो रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके पावर के क्यूब के। तो ये हम लोग अभी जो निकाले, ये हम लोगों का मेन फार्मूला हो गया, इस पे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाया है। अब देखिए है ना, अब हम लोगों को दोनों फार्मूला निकल गया था है ना, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या आया था, यहाँ पे यहाँ एक्सियल पोजीशन में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p/r³, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना आया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³, वहाँ पे 2 p था, यहाँ पे p आया। तो आपसे रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो रिलेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, तो क्या है रिलेशन होता है देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन एक्सियल पोजीशन एंड इक्विटोरियल पोजीशन, पोजीशन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसको एक्सियल को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति, एवं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को जो अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे में कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p/r³, इतना आया था, इसको इक्वेशन एक मानते हैं। और ई इक्विटोरियल पोजीशन में कितना आया,
अभी जस्ट निकाले थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब, यही था। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण एक भागा समीकरण टू करने पर, तो किया जाए तो ई एक्सीएल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब। तो ये कट गया। अब देखिए आर क्यूब से पी बाय आर क्यूब से पी बाय आर क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट ई एक्सियल बटा ई इक्वी टोरियल बराबर डायरेक्ट 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ई एक्सीएल का जो वैल्यू आएगा इक्विटोरियल के दोगुना, ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल। तो यही रिलेशन है, ये रिलेशन हमसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो है हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, अभी तक तो हम लोग एक्सियल पोजीशन पे निकाले, इक्विटोरियल पोजीशन में निकाले, लेकिन अब हम लोग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे। तो यदि किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को फ्रीडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया अपडेट लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।